हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं ट्राइप्लाई स्टील के हेल्दी कुकवेयर्स के बारे में। अब यहाँ पे आपको जनरली दो तरीके के कुकवेयर्स देखने को मिलते हैं। एक मिलेगा आपको प्लेन ट्राइप्लाई स्टील और एक काफी लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पे हनीकॉम सीरीज भी ट्राइप्लाई स्टील में आती है। तो आज हम डिटेल रिव्यू करने वाले हैं दोनों ही कुकवेयर्स का। एक जगह है हनीकॉम सीरीज जो कि प्रेस्टीज की हनीकॉम सीरीज आती है ट्राइप्लाई स्टील में। काफी सारे शेफ्स को आपने ये वाले कुकवेयर यूज करते हुए देखा होगा, उसका रीजन बताएंगे और साथ ही साथ इसको हम डिटेल में आज इसी वीडियो में हम रिव्यू करेंगे। और दूसरा कुकवेयर होता है आपका प्लेन ट्राइप्लाई स्टील का जो कि बहुत कॉमन है इंडियन किचन्स में और हेल्दी भी है। तो चलिए एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, ये जो पैन आपके सामने मैं दिखा रहा हूं ये प्रेस्टीज का ट्राइप्लाई स्टील का 28 सेंटीमीटर का फ्राई पैन है जिसमें आपको ग्लास लिड मिलती है। ग्लास लिड भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। साइड में आपको जो ये रिम मिल जाती है, जिस कह सकते हैं सपोर्टिंग बॉटल्स जो मिलते हैं वो स्टेनलेस स्टील के मिलते हैं, काफी अच्छी बेहतर क्वालिटी का है। यहां पे आपको एक्स्ट्रा स्टीम के लिए इवेपोरेट हो जाए तो यहां पे एक होल मिल जाता है जिसको बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हैं। और यहां पे ये बहुत आसानी से फिट हो जाती है और पैन को बना देती है बहुत ही ज्यादा बेहतर कुकिंग के लिए। तो चलिए इसको जरा साइड में रख लेते हैं और पैन को एक बार डिटेल में आपको दिखा देते हैं। अगर हम ट्राइप्लाई स्टील की बात करते हैं तो अंदर की तरफ से 304 ग्रेड की स्टील होती है जो कि हाई क्वालिटी की हेल्दी स्टील होती है। इसमें भी वही लगभग वही स्टील यूज की गई है और साथ ही साथ आपको स्टेक कूल हैंडल मिलेगा, कहीं भी प्लास्टिक का यूज नहीं है। और नीचे की तरफ से आपको बहुत ही क्लियर रिपिट्स मिल जाएंगे यहां पे आपके सामने दिए हुए हैं। और सबसे अच्छी चीज है ये गैस इंडक्शन हीटर सेरेमिक हॉट प्लेट सब पे चलेगा। अगर आप इसको अब्रॉड में भी ले जाना चाहते हैं तो आप इजीली ले जा सकते हैं और ये पूरी तरीके से हॉट प्लेट पे भी काम करेगा। ये यूटेंसिल जो होते हैं वो 3 लेयर में बने हुए होते हैं, जैसे कि ऊपर नीचे स्टील होता है, बीच में एल्युमिनियम होता है। ये जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा होगा बिल्कुल चमकता हुआ, तो ये एल्युमिनियम है और ऊपर नीचे स्टील है। और काफी लोग घबरा जाते हैं कि यार इसमें तो एल्युमिनियम दिया हुआ है तो वो खाने को नुकसान करेगा, बट मैं आपको यहां पे बिल्कुल एश्योर कर दूं, ये जो एल्युमिनियम दिया है इसका आपके फूड मटेरियल से या फूड कुकिंग सरफेस से कोई मतलब नहीं है। ये पूरी तरीके से हेल्दी है और 0% कॉन्टैक्ट रहता है आपके फूड मटेरियल से। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिएगा। ये सिर्फ इसलिए दिया हुआ है कि आपका जो पैन है वो प्रॉपर हीट करे और जो स्टील का सरफेस है उसमें जलने की शिकायत ना आए। बट यहाँ पे जैसे कि इस पैन में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको एक हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको सामने एक हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिल रहा होगा। ये एक तरीके का नॉनस्टिक है जो कि आपके फूड मटेरियल को जलने नहीं देता है। तो ये क्या होता है, जनरली काफी शेफ्स यूज करते हैं और काफी सारे प्रोफेशनल्स यूज करते हैं क्योंकि इसमें कम फ्यूल चल जाता है और साथ ही साथ फास्ट कुकिंग होती है और जो भी रेसिपीज में बनती है उसमें कोई भी चीज चिपकती नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं ट्राइप्लाई स्टील का नॉनस्टिक कोटिंग वाला इस टाइप का हनीकॉम्ब लेना तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 2-3 काफी अच्छे ब्रांड्स हैं जिसका लिंक मैंने आपको दिया है किफायती रेंज में, तो आप वो जाके परचेज कर सकते हैं। मगर उससे पहले 2-3 बातें आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं हेल्दी कुकिंग तो मैं बिल्कुल आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, मगर यहां पे ये चीजें हो जाती हैं कि देखिए, अगर आप किफायती रेंज में नॉनस्टिक लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये कुकवेयर एक बार आप ट्राई करना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि आप बेहतर तरीके से नॉनस्टिक यूज करते हैं, तब ये आपके लिए बना हुआ है। मगर अगर आपको रफ यूज करना है, आप इसका जो मेन प्रिकॉशंस लेने होते हैं नॉनस्टिक में, अगर वो नहीं ले सकते हैं तो फिर इसको ना लीजिएगा, क्योंकि ये भी एक तरीके की कोटिंग है जो कि समय के अनुसार ये हट सकती है, ये पील ऑफ हो सकती है। और कभी भी नॉनस्टिक कोटिंग पील ऑफ होगी तो हमारा हर कोई जानता है कि वो हमें नुकसान करती है। तो इस वाले कुकवेयर को लेने से पहले इसको कैसे यूज करना है और किस तरीके से इसको हमें स्टोर करके रखना है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप हनीकॉम स्ट्रक्चर का पैन या फ्राई पैन लेना चाहते हैं तो उस चीज का ध्यान रखिएगा, ये एक तरीके का नॉनस्टिक है तो उसको नॉनस्टिक की ही तरह यूज किया जाएगा। बट यहां पे ये वाला नॉनस्टिक है वो थोड़ा सा ट्राइप्लाई स्टील के ऊपर है जो कि थोड़ा सा ड्यूरेबल भी हो जाता है और आपको हेल्दी कुकिंग दे सकता है अगर इसकी कोटिंग पील ऑफ नहीं होती है तो। मगर यहां पे अगर हम बात करते हैं इस टाइप के ट्राइप्लाई स्टील के लिए तो ऑब्वियस सी बात है इसको आप जितना रफ यूज करना चाहें आप कर सकते हैं, आप किसी भी कुकवेयर में इसको यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें किसी भी तरीके की लेयरिंग नहीं दी होती है। तो काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि आप रिकमेंड करते हैं इस टाइप के हनीकॉम्ब को, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए रिकमेंड करता हूं जो इस टाइप के कुकवेयर के यूजेज से अवेयर हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि अगर घर की बात होती है तो यहां पे मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा हनीकॉम्ब वाले स्ट्रक्चर के इस टाइप के पैंस को। और इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ ये पैंस खराब होते हैं, बट अगर आप हेल्थ के पर्पज से कोई भी चीज स्विच कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको प्योर और ऐसी चीज लेनी चाहिए जिसमें किसी भी तरीके की कोटिंग नहीं होती है। तो यहां पे इस टाइप के पैन मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो कि प्योर स्टेनलेस स्टील के होते हैं, ट्राइप्लाई स्टील के होते हैं और काफी अच्छे बेहतर रेंज में आते हैं। तो
अपने घर को या किचन को इम्प्रूव करने के लिए ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो बस मुझे लगता था कि यहाँ पे ये वाला जो कुकवेयर है, जो आपको डाउट से वो हो सकता है कि आपको क्लियर हो गए हो कि ये एक तरीके की कोटिंग होती है जो कि नॉनस्टिक कोटिंग है, जैसे नॉर्मल आप ग्रेनाइट कोटिंग होती है और भी बहुत सारी मार्बल फिनिशिंग की कोटिंग्स होती हैं, तो उसी टाइप की एक तरीके की हनीकॉम स्ट्रक्चर में कोटिंग दी हुई है जो कि ट्राईप्लाई स्टील में आपको देखने को मिलेगी। ये हेल्दी भी कह सकते हैं, अनहेल्दी भी कह सकते हैं। अगर ये पील ऑफ हो रहा है तो अनहेल्दी है, अगर पील ऑफ नहीं हो रहा है ढंग से आप यूज कर रहे हैं तो ये हेल्दी है। तो बस यही चीज है, अपने यूजेज के हिसाब से इसको जरूर देखिए, सर्च करिए, और अगर आपको लगता है कि इसका सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स है तो जरूर इसको यूज करिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा एंड थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।